देखिए, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो आप नाम लेते हैं ना, अभी आजकल के दौर में, पहले आप रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं, आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। अब जो हाल है इसका, ऑस्ट्रेलिया की टीम का, वो बहुत बुरा हाल है। अब सबको आइडिया हो गया होगा कि यार, ये आइडिया को भी हो गया होगा कि भाई रन्स तो हमने नहीं किए लेकिन अब हमें फायदा हो गया, क्योंकि बुमराह की परफॉर्मेंस आपने देखी। कहते हैं T20 का बॉलर है जी, छोड़े जी, वनडे का बन गया, वनडे का बॉलर है जी, छोड़े जी, दफा कर, टेस्ट मैच का नहीं बनता, टेस्ट मैच का बन गया। 150 पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई तो लगा के बस कहानी खत्म है इंडिया की, मगर जसप्रीत बुमराह जिस टीम के अंदर हो वहां पर उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती। बेस्ट चांस है इस वक्त बूम बूम बुमराह एंड कंपनी ने, जो जिस तरह बॉलिंग करके अभी 7 आउट है और जिस स्टेज पे इंडिया को लिया है, यहां से अगर इंडिया टेस्ट मैच नहीं जीते, बेहतरीन चांस है बैकफुट पे करने का ऑस्ट्रेलिया को। पहले ही मैच में ऑप्टस में अभी तक हारा नहीं है टेस्ट मैच। इंडिया 150 पे ऑल आउट तो हुआ है वो छोड़ दो, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया ना इंडिया ने, मतलब मैं कहता हूं चस आ गया, बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के इन ऑस्ट्रेलियंस को, बेटा इनको इनके घर में 67 में 7 आउट कर दिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तू चल तो मैं आया, साइकिल स्टैंड की तरह विकेट गिरी है, ठक 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 ठक। और बुमराह, व्हाट अ बॉलर ही इज यार, अमेजिंग, बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। जसप्रीत बुमराह ने ऊपर से आके जो 3 आउट किए और तड़का लगा दिया हर्षित राणा ने अपने डेब्यू पे, ट्रेविस हेड का किल्ला निकाल के। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात, जिस तरह बूम बूम बुमराह ने बॉलिंग करी, सिराज ने 2 आउट करे लबोशन को, जिस तरह LBW करा और स्लिप में ख्वाजा को आउट करा, बट अब इंडिया ने तो एकदम ही सब कुछ चेंज करके रख दिया ना, कि 150 के ऊपर आउट होने के बाद सबको लगा ये मैच तो गया, अगले 4 मैचेस के देखते हैं क्या हुआ। मगर इंडिया, खासकर जसप्रीत बुमराह ने कहा कि अभी कहानी बाकी है, और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया वो अपने आप में एक मिसाल है। 19 पर 3 आउट थे। नंबर 1 बॉलर है लंगड़े, लंगड़े शाहीन अफरीदी, तू भी पिछले साल इधर ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहा था ना, तेरे से तो भाई पेस भी नहीं थी निकल रही, तेरी तो बाल बैट्समैन तक पहुंच भी नहीं थी रही, देख अपने बाप बुमराह को। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो भी तकरीबन 67 पे, मेरे ख्याल में उनके भी 7 आउट हो चुके हैं, और बुमराह ने क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग की। फिर उसके बाद जो राणा साहब आए हैं एक नए, उनका एटीट्यूड बड़ा अग्रेसिव है, उसके बाद जो है वो लाइन और लेंथ के साथ बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। देखें, जब कम रन होते हैं ना, तो अगर आप एक चैनल बॉलिंग नहीं करते तो फिर आप पैनिक होते हैं। पैनिक क्यों होते हैं, सोचते हैं कि नहीं और ये तो सिर्फ 150 रन है, आप क्या करें, उसमें आप वेवर्ड होने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती विकेट्स लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पे हमने इंडियन बॉलर्स को क्या देखा कि वो पिच को बड़ा जबरदस्त वो यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बॉल मुंह पे नहीं कर रहे, थोड़ा सा पीछे रखा हुआ लेंथ पे, गुड लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, बॉल सीम बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा सीम हो रहा है बॉल। जितने भी बॉलर देख लें, सिराज को देख लें, बुमराह को देख लें, राणा साहब को देख लें, ये बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या हो रही है, एयर में स्विंग नहीं हो रहा बॉल, पिच पे लगने के बाद कट हो रहा है, जब कट होता है बॉल उस टाइम दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी आ जाए वो बहुत स्ट्रगल करता है, उसको नहीं खेला जाता, चाहे आप अपनी होम कंडीशंस में भी खेल रहे हो। तो इस हिसाब से देखा जाए कि विद इन स्टंप जो बॉलें हुई, ज्यादा शॉट्स का मौका ही नहीं दिया इंडियन बॉलर्स ने, ये इनकी जीत थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये टेस्ट मैच दो दिन या आप ये कहें कि तीसरे दिन के लंच के अंदर अंदर तक मैच खत्म हो जाएगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि 7 आउट तो हो गए ऑस्ट्रेलिया के। अब ये ऑस्ट्रेलिया की टीम कितने रन लेके जाती है, चले मान लेते हैं कर करा के ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो इंडिया की टीम जो है 70 रन की लीड ले लेगी। आज एक चीज अच्छी थी भाई, अश्विन हो जडेजा हो, बहुत बड़े नाम है, इनका एहतराम है, इंडिया ने कंडीशंस को रिस्पेक्ट दी। सिराज ने आज निकाला, क्या उसने मेरे दिल की आवाज सुनी है मेरे सिराज, बाद में अच्छा सिराज, सिराज तुझे तो पता नहीं चलेगा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से बात करता हूँ, कैसे बात करता हूँ, मगर जो ऑस्ट्रेलिया में कुछ रहते हैं ना उन लोगों को पता चल जाएगा सिराज को चूम रहा था। अरे बहरहाल ऐसी की तैसी में जाए, इंडिया ने आज जो सबसे बड़ा फैसला किया मेरी नजर में, देखे दो चीजें जो हमने दो चीजें जो थी, एक तो बैटिंग, इंडिया टॉस जीत के बैटिंग करेगा ये पूरी हुई, मैं तो एडमिट करता हूं, मैं तो चक्कर में था, आप ऑस्ट्रेलिया को पहले खिला, इंडिया फोकस रखेगा बॉलिंग के ऊपर और बॉलिंग ने गेम में लेकर आया। मगर इंडिया ने जो सबसे बड़ा फैसला किया वो ये था कि दो रिवायती जो उनके बॉलर्स है खासतौर पर, जिनकी वजह से टीम मुकम्मल नहीं होती थी, जिनको देख के लगता था ये तो कभी ड्रॉप ही नहीं होंगे, जिनके बारे में सोचता था आदमी ये नहीं होंगे तो हम जीतेंगे कैसे, वो सब चीजें बालाए ताक रख दी गौतम गंभीर ने और टीम मैनेजमेंट ने। अश्विन जडेजा इन दोनों लोगों को साइडलाइन किया, साइडलाइन क्या किया मतलब बोला ठंडे हो जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जरा भारी इस तरह से आएंगे कि ऑस्ट्रेलिया को लगेगा हम हल्के आ रहे, मगर भारी आएंगे, इसी तरह भारी आएंगे, क्योंकि यार
नितेश कुमार रेड्डी हो या ध्रुव जुरैल हो या फिर देवदत्त पदिकल हो, मैं ये कह रहा हूँ की इंटेंट अच्छी थी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन पर इनके पास से कुछ भी आ जाए तो फ्रूट्स है, और ना है तो गंद नहीं मजा सकते आप इनके ऊपर, क्योंकि ये पहला टूर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हाल में सबसे मुश्किल टूर होते हैं किसी भी टीम के लिए जो ऑस्ट्रेलिया टूर करती है, यहाँ की पिचेस और यहाँ का एनवायरमेंट कुछ इस तरह का है कि बड़ा मुश्किल से शूट कर पाते हैं और बड़ी मुश्किल से जीत के निकल पाते हैं। मगर बॉर्डर गावस्कर में इंडिया ने अपना रुझान थोड़ा डिफरेंट रखा है, वो हमेशा है जीत के चले गए, मगर पर्थ में जब इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया तो यकीनन उनके खिलाफ गई बहुत सारी चीजें, और वो नीचे आप देख लीजिए आपके टॉप ऑर्डर के 6 बल्लेबाज हैं उनके अंदर से इक्का दुक्का के डबल फिगर हैं। रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस टीम है भाई इंडिया की, देवदत्त पदिकल, ऑस्ट्रेलिया के सामने बी टीम है, बिल्कुल बी टीम है, उसके बाद डेब्यूटेंट हर्षित राज। वो दिन गुजर गया जब ऑस्ट्रेलिया पर्थ में एशियाई टीमों को बुलाता था और बाउंसी ट्रैक पर फंसाता था, कम से कम टीम इंडिया के लिए ये बात नहीं कही जा सकती। 150 पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई तो लगा कि बस कहानी खत्म है इंडिया की, मगर जसप्रीत बुमराह जिस टीम के अंदर हो वहां पर उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती, और खासकर सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की, हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग की, मगर मैं हमेशा टीम इंडिया के अंदर देखता हूं कि जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली, मतलब ये सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं, और इसके लिए फॉर्मेट की मोहताजी बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे T20 खेल रहे हो, चाहे वनडे खेल रहे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली है। अब देखिए 2023 वनडे वर्ल्ड कप देखिए आप क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की, 2024 T20 वर्ल्ड कप उठा के देखिए क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की, और टेस्ट के अंदर भी देख लीजिए। और ये बात मैं आज इसलिए नहीं कर रहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के बैकयार्ड में घुटनों के बल लेके आए, मैं ये बात पहले भी कर रहा था, सब लोग जब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया ये वन साइडेड है, इवन कि कल मैंने एक ब्लॉग किया था कि गूगल पे करें तो कल 25% विन रेशो आ रही थी इंडिया की और 70% आ रही थी ऑस्ट्रेलिया की, 5% था कि ड्रॉ हो सकता है। और आप सोचिए कि 3-0 से अपने घर में हारने वाली टीम इंडिया कैसे पलट कर वार किया, और कहां पर किया है, हंटिंग ग्राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया पर्थ, जहां पर अभी तक ऑस्ट्रेलिया एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा। ये ऑप्टस एक नया स्टेडियम बना जो 2018 में बना था, और आप ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक देख लीजिए और इंडिया का भी देखिए। मैंने शायद दो रोज पहले एक वीडियो किया था, अगर कई दोस्तों ने देखी हो, कि यहां पर आकर आपको लगता होगा कि इंडिया के पास सिर्फ जसप्रीत बुमराह है, सिराज है, उन्होंने लास्ट 8 मैचेस में, आप उनके लास्ट 8 मैचेस उठाइए, सिर्फ 12 विकेट्स नहीं है और 3 बार 0 है उनके, यानी 3 बार वो विकेट ही नहीं ले पाए, 2-2, 2-2 और 1 में सिर्फ 4 विकेट है उनकी लास्ट 8 मैचेस में, उठा के देख लीजिए। मैंने उस वक्त भी कहा था जब इंडिया न्यूजीलैंड से हार रहा था कि यही सिराज आपको सीना कंट्री के अंदर डिफरेंट बॉलर नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर फास्ट बॉलर को स्पोर्ट मिलती है। और मुझे इसलिए भी है कि मैंने पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया टूर कवर किया था, हमारे पास कोई मेन स्ट्रीम बॉलर नहीं था, इवन के लास्ट टेस्ट मैच में तो हमने एक शहीन अफरीदी थे उनको भी बिठाया था, हमारे पास कुरम शहजाद थे, मीर हमजा थे, इनके साथ ही हमने, और आमिर जमाल थे, इनके साथ ही हमने कहानी बदल के रखी थी। मीन हम हारे जरूर थे वहां पे, मगर हम ऑस्ट्रेलिया से इस तरह से मार नहीं खाई थी, बट अब इंडिया ने तो एकदम ही सब कुछ चेंज करके रख दिया ना, कि 150 के ऊपर आउट होने के बाद सबको लगा ये मैच तो गया, अगले 4 मैचेस के देखते हैं क्या हुआ। मगर इंडिया, खासकर जसप्रीत बुमराह ने कहा कि अभी कहानी बाकी है, और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया वो अपने आप में एक मिसाल है। 19 पर 3 आउट थे, 19 रन के ऊपर 3 आउट किए थे, जहां पर 14 पे 1 हुआ था, 19 पे 2, फिर स्मिथ को मुझे लगता है कि वो शायद टर्निंग पॉइंट था कि पहली बॉल के ऊपर LBW करना, और जो मैक्सवीनी है उस पर आप देख लीजिए LB की था, उनको लगा जसप्रीत बुमराह को कि ये बड़ी क्लोज है, पंत ने कहा कि उन्होंने शायद बल्ले की आवाज सुनी है, ले लो कहा विराट कोहली ने, और वो विकेट मिली उनको, उसके बाद खाजा गया और फिर समित, और उसके बाद लाइन लग गई, जैसे साइकिल स्टैंड के ऊपर एक साइकिल गिरने पर सारे गिरते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया टीम एक्जैक्टली वैसे गिरी है।